हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पीसी स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं ओबीएस और कैम स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड करेंगे और यूज़ करेंगे। तो पहले ओबीएस को बताऊंगा। अपना ब्राउज़र ओपन कर दीजिए। हाँ, ओबीएस स्टूडियो बोल के टाइप कर दीजिए। ये पहला वाला ओपन कर दीजिए। यहाँ डाउनलोड इंस्टॉलर को दबाइए तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होगा। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ इसलिए मैं कैंसिल कर दूँगा। वंस वो डाउनलोड होगा तो ओपन कर दीजिए। इस तरह का विंडो आएगा। इस खाली स्क्रीन पे ऐड दबाइए। आपको गेम कैप्चर करना है तो गेम कैप्चर दबाइए। अगर डिस्प्ले कैप्चर करना हो तो स्क्रीन का डिस्प्ले कैप्चर दबा दीजिए और ओके कैप्चर कर्सर रख टिक मार करके ओके दबा दीजिए। और यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग को प्रेस कर दीजिए। आपका पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। तो अब जो भी आप करेंगे वो सब इधर रिकॉर्ड होगा। तो मैं माय कंप्यूटर ओपन करके एफ ओपन करके और इधर बैक आके इसे क्लोज कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हैं इधर रिफ्रेश कर दिया। तो ये सब हरकतें जो मैंने की वो सब रिकॉर्ड हो गए। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट आप स्टॉप रिकॉर्डिंग दबा दीजिए तो आपके रिकॉर्डिंग बंद हो गया। तो देखते हैं, तो आप देखते हैं ये आउटपुट फोल्डर है। मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा वीएलसी प्लेयर में। तो आप देख सकते हैं इधर मैं जो जो भी रिकॉर्ड किया था पीसी स्क्रीन पे वो सब रिकॉर्ड हुआ। तो मैंने पहले रिफ्रेश किया था, माय कंप्यूटर ओपन किया था और एफ ड्राइव भी ओपन किया था और बाद में बैक भी आया था। सो ये सब हरकतें रिकॉर्ड हुई है। इस तरह आप ओबीएस को यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और चलते हैं दूसरी बारी पे, वो है कैम स्टूडियो। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, दोनों भी फ्री सॉफ्टवेयर है। तो मैं कैम स्टूडियो रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। तो इसलिए आप फिर ब्राउज़र पे जाइए, कैम स्टूडियो टाइप कर दीजिए। तो ये पहला वाला क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो आप इधर डाउनलोड बटन क्लिक कर दीजिए। इसे स्किप कर दीजिए, फिर से स्किप कर दीजिए। तो डाउनलोड शुरू होगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो कैंसिल कर दूंगा। तो वंस डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर दीजिए और कैम स्टूडियो को ओपन कर दीजिए। तो आपका विंडो ऐसा दिखेगा कैम स्टूडियो का। तो इधर ये है विंडो, ये है रिकॉर्ड बटन, पॉज बटन और स्टॉप बटन। तो इधर फाइल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉज, स्किप और एग्जिट कर सकते हैं। और रीजन में मैं तो फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रिफर करूँगा तो इसलिए फुल स्क्रीन टिक मार्क है। और ऑप्शंस में क्या भी ऑप्शंस, कर्सर ऑप्शंस जो चाहे वो बदल सकते हैं। तो चलिए पहले रिकॉर्ड बटन पर दबाइए, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू होगा। तो मैं इधर रिफ्रेश किया और माय कंप्यूटर ओपन कर दिया। बाद में फिर से एफ ड्राइव में गया, फिर से बैक आया और क्लोज कर दिया। फिर से रिफ्रेश किया तो इसे इधर ही स्टॉप करेंगे। तो ये कैम स्टूडियो को ओपन करके आप स्टॉप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो आपको इस फाइल को सेव करने पड़ेगा। तो जो चाहे वो नंबर देके आप सेव दबा दीजिए। डेस्कटॉप या किधर भी सेव कर सकते हैं। तो आप सेव कर दीजिए और आप जाके आउटपुट फोल्डर को चेक कर दो। आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैप्चर हुआ होगा। तो ये थे, मैं बताना चाहता था दो स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में। तो ये दो भी बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिए, अगर ना पसंद हुआ तो डिसलाइक कर दीजिए।
Please like and share this video and subscribe. Thank you.